अयोध्या की रामलीला देश और दुनिया में फेमस है। इसके तीसरे संस्करण की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। अयोध्या में इस साल 25 सितंबर से 5 अक्टूबर तक रामलीला का मंचन किया जाएगा। सरयू नदी के किनारे लक्ष्मण किले के प्रांगण में होने वाली इस सबसे बड़ी रामलीला का रविवार को भूमि पूजन हो गया। रामलीला में 20 से 25 कलाकार आएंगे। कोरोना काल के बाद अयोध्या की रामलीला में बॉलीवुड कलाकारों के साथ इस बार बीजेपी के 3 सांसद अलग अलग किरदार निभाएंगे, तो वहीं दर्शक सामने बैठकर प्रत्यक्ष रूप से अयोध्या की रामलीला को देख सकेंगे। पिछले 2 सालों में कोरोना के चलते दर्शकों को सामने बैठकर रामलीला देखने की परमिशन नहीं थी। रामलीला कमेटी के अध्यक्ष बॉबी मलिक ने दावा किया कि इस बार विदेशों से भी बहुत सारे लोग अयोध्या की रामलीला देखने आएंगे। परंपरा से भूमि पूजन हुआ है और हमारे जो रामलीला के राम जी की भूमिका जो निभाएंगे, भूचर साहब आए हुए हैं, बाबी मलिक जी आए हुए हैं, हमारे माथुर साहब आए हैं जो भरत की रोल अदा करते हैं। इनके चेहरे पे भरत जैसा दिखता है, तात भरत तुम सब विधि साधु, माथुर साहब साधु हैं। और ये तृतीय वर्ष होने जा रही है रामलीला, अयोध्या की रामलीला। और सबसे हम आग्रह करेंगे कि अयोध्या के लोगों को रामलीला में जोड़ें, क्योंकि अयोध्या की रामलीला यह शीर्षक है, तो अयोध्या के भी कलाकार हों इसमें सम्मिलित। इसलिए मल्लिक जी से, माथुर जी से, विधायक जी से सबसे कहते हैं कि अयोध्या के लोगों को अधिक से अधिक जोड़ें और प्रभु श्री राम का उत्तम लीला, आदर्श लीला हो, यह संदेश जाए कि प्रभु श्री राम की नगरी से अयोध्या की रामलीला है, तो अयोध्या अयोध्यामय होना चाहिए। इसलिए सबसे आग्रह करते हैं कि अयोध्या के कलाकारों को स्थान दें और अयोध्या की रामलीला तभी सिद्ध हो। अयोध्या की आज पावन नगरी में अयोध्या की रामलीला जो तीसरे वर्ष होने जा रही है, उसका आज भूमि पूजन हुआ है। सुभाष मलिक जी, पूज महंत लक्ष्मण किलाधीश, जिनके स्थान पर ये रामलीला होती है, जिनका आशीर्वाद हम सब लोगों को मिलता है, निश्चित रूप से इस पूरी मंडली को, टीम को अयोध्या की रामलीला की बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि जो एक कमी थी अयोध्या में कि यहाँ से एक संदेश जाए प्रभु राम का, और ये रामलीला के माध्यम से प्रभु राम के चरित्र को पूरे देश और दुनिया के लोग श्रवण करें, देखें, तो ये प्रयास सार्थक हुआ। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी हृदय से